लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर जिंदगी बोझ लगने लगी तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, मार दूंगा अपनी खुशियों को, खोट दूंगा अपने जज्बात का गला। लेकिन आप हमें एहसान फरमोश समझे, ऐसा काम मैं कभी नहीं करूंगा। बड़े अब्बू प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज बड़े अब्बू। छोटों की गलती माफ करना ही बड़ों का फर्ज होता है, और मैंने तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर दिया। पिछली सारी बातों को तुम भी भूल जाओ, मैं भी भूल गया। थैंक यू वेरी मच बड़े अब्बू, थैंक यू वेरी मच। आज मैं अपनी नजरों में खुद गिर गया हूं। एक गुनाहगार के आगे मुझे गुनाहगार बनकर खड़ा होना पड़ा। लानत है मुझ पर। अगर अम्मी बीच में ना होती तो उसे सबक सिखा देता। खैर, चुप तो अभी भी नहीं रहूंगा। ऐसे दुश्मन को वार से नहीं, प्यार से मारा जाता है, और वही मैं करूंगा। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे तो तुम बेशक बता दो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बात बिगड़ जाता हो। सुबेदा, कोई राजी हो या ना हो, लेकिन बड़ी अम्मी हमारे साथ है। ठीक है, अगर तुम्हें उन पर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो बता दो, लेकिन उनसे प्लीज रिक्वेस्ट करना था कि वो ये बात किसी को ना बताए जब तक हमारी शादी ना हो जाए, प्लीज। सुबेदा, मेरी छोटी छोटी बातें वो सबसे छुपाती, तो इतनी बड़ी बात कैसे बताएंगी? कल सुबह 10 बजे शाप कोर्ट में मिलेंगे, ठीक है? ओके, बाय। खुदा हाफिज।
है ना, पक्के बिजनेसमैन बन गए हो, बिल्कुल अपने अब्बू की तरह। कैसे बड़ी अम्मी? कोई भी बात सीधे तरीके से करते नहीं हो, सब कुछ घुमा फिरा के कहते हो, बिल्कुल उनके टक्षे कदम पर चलने लगे हो। क्या मतलब? मतलब ये कि सीधे सीधे कहो, बात क्या है? बड़ी अम्मी, मैंने इतने दिन इंतजार किया, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा ये तो बताओ कि कितना इंतजार करना पड़ेगा? बस कल सुबह तक। बड़ी अम्मी से छुपा रहे हो? नहीं बड़ी अम्मी, अगर छुपाना होता तो मैं ये बातें भी नहीं बताता, क्योंकि एक आप ही तो हैं जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकता हूँ। तो तुम नहीं बताओगे? हाँ बिल्कुल नहीं। कल सुबह सुबह आप अब्बू के फेवरेट कलर की साड़ी पहनकर तैयार हो जाइएगा। सुबह सुबह? 9 बजे शार्प। क्यों? आप मेरे साथ चलेंगी तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। तुम मुझे बेवकूफ बनाने वाले हो और कुछ नहीं। चलिए यही सही, एक बेटा अगर अपनी माँ को बेवकूफ बना रहा है तो क्या हुआ? माँ हूँ ना, करना तो पड़ेगा ही। और बड़ी अम्मी एक बात और, इस सारी बातों का जिक्र आप किसी से मत कीजिएगा। जो भी बात करनी है शाम को घर लौटने के बाद करिएगा। ओके ठीक है। और कल सुबह 9 बजे तैयार रहिएगा। ओके ठीक है। आइए चलो चलो। हाँ बेटे, मैं आपको बुलाया था, एक बहुत जरूरी काम है। दरअसल मेरी एक मुश्किल है, आज मैंने ऑफिस में एक 10 बजे मीटिंग बुलाई है, बहुत जरूरी मीटिंग, और मैं ऑफिस थोड़ा लेट पहुंचूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम ऑफिस जाकर वो मीटिंग अटेंड कर लो। बड़ा बू, मैं आज ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। क्यों? मुझे आज काम। कोई भी काम इस मीटिंग से जरूरी है क्या? मैं समझता हूँ, लेकिन आज मैं बिजी हूँ। देखो तुम्हें जो भी करना है इस मीटिंग के बाद करना। बड़ा अबू, आप शायद भूल रहे कि मेरी भी पर्सनल लाइफ है। और तुम यह भूल रहे हो कि अगर कामयाब बिजनेसमैन अपनी पर्सनल लाइफ जीना शुरू कर दे तो वो सीढ़ियां चढ़ने की बजाय उतरने लगता है। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूं मेरे काम से। तुम इसकी कौन हो? मैं उसकी माँ होती हूँ। माँ थी तुम, लेकिन अब नहीं, तुम्हारा बेटा मर चुका है। किस्मत हो तुम, जो सुहागन होते हुए भी बेवा बनकर रह रही हो। बस बड़े अबू बस, बहुत हो गया, चुप हो जाइए प्लीज। कहा तुम उसे चुप करने के बजाय मुझे चुप रहने के लिए कह रहे हो? बड़े अब्बू गलत बात की शुरुआत आपने की थी।
बड़ी अम्मी ने सिर्फ आपको जवाब दिया। ताहा, आज फिर तुम अपनी हद भूल गए। बड़े अबू ने बड़ी अम्मी की बेइज्जती की है। मैं बड़ी अम्मी को अपनी माँ मानता हूँ और कोई भी औरत को यह गवारा नहीं होगा कि उसकी आंखों के सामने उसकी माँ की बेइज्जती हो। बड़े अबू सुन लीजिए, अब तो मैं ऑफिस भी नहीं जाऊंगा और ना ही कोई मीटिंग अटेंड करूंगा। बड़ी अम्मी चलिए मेरे साथ। जब से ये नजमा इस घर में आई है मेरी इज्जत खाक में मिल गई है। मेरी समझ में नहीं आता नजमा ताहा को लेकर कहां गई है। बाबा जुबे बाबा दुआ कीजिए कि जिस मकसद के लिए मैं जा रही हूं उसमें मुझे कामयाबी मिले। अरे बच्चा तुम तो जानती है मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हैं। देखो जुबी तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हो, इसलिए तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बाबा नई दुनिया में बसाने जा रही हूँ दुनिया की नजर में। असल में मैं क्या करना चाहती हूँ ये सिर्फ आप ही जानते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम ताया से शादी सिर्फ चौधरी खानदान से बदला लेने के लिए कर रहे हो, लेकिन जुबी शादी का गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। ये दो इंसानों की जिंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। देखो ताया से तुम्हारी जिंदगी जुड़ी रहेगी, अब ये तुम्हारे ऊपर है तुम उससे खुशियां बटोरना चाहती हो या काटे। देखो अच्छा मैं सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा क्या आज हूँ कल मरूं, इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी बनाना भी चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। बाबा शायद आप जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त मेरे सर पे सिर्फ बदले का जुनून है। पहले मैं एक घर उजाड़ तो लूं, फिर घर बनाने की बात करूंगी। क्या बात है निगार, तुम बड़ी परेशान सी लग रही हो। भाईजान ताहा सुबह से नजमा के साथ कहीं गया हुआ है, अब तक नहीं लौटा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, शाम हो गई है। ताहा कोई बच्चा नहीं है, अपनी मर्जी से नजमा के साथ गया है। भाईजान आप उस औरत को नहीं जानते, वो बहुत पहुंची हुई है। मुझे डर है कि कहीं वो ताहा को किसी उलझन में ना डाल दे, उसे अपने कब्जे में तो पहले ही कर चुकी है वो। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी और को दोष नहीं दे सकते। आपका कहना सही है, नजमा ने इस तरह से ताहा को अपने कब्जे में कर रखा है कि मुझे लगता है मैं औलाद वाली होकर भी बेऔलाद हूं। कुछ हद तक इसकी जिम्मेदार तुम भी हो, अगर तुम जरा सी भी समझदार होती ना तो उसे इस घर में दाखिल नहीं होने देती। पता नहीं आज क्या खुल खिलाएगी वो। मैं देखती हूं। Thank you.
मुस्कुरा क्यों रही हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ताहा कहाँ है? तुम ही लेकर गई थी ना उसे? कहाँ छोड़ रही उसे? इतने सारे सवाल, वो भी एक साथ। अच्छा चलो, जवाब सुनने से पहले खुद ही देख लो। जी बड़ी अम्मी। ताहा, अपनी अम्मी को वो खूबसूरत तोहफा नहीं दोगे जिसका इंतजार हर माँ को होता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुबह क्यों गई निगाह? ये तुम्हारी बहू है ज़ुबैदा। प्यार से सभी से ज़ुबी कहते हैं।